हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मेथड से। डायगोनलाइजेशन मेथड के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है। वो वीडियो आज के डेट में 11,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एनोटेशन में भी मिल जाएगा, तो उसे जाके आप पहले देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो आपको पता है एक्चुअली कि डायगोनलाइजेशन मेथड क्या होती है। वी कैन ऑब्टेन पावर ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग डायगोनलाइजेशन, यानी कि जो डायगोनल डी होता है वो किसके रिप्रेजेंट रूप लिखा जाता है, पी इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका डायगोनल फॉर्म कैसे निकाला जाता है, पी इनवर्स पी। और ये पी क्या होता है, पी होता है मोडाल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मोडाल मैट्रिक्स। और ए क्या होता है, आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आपको क्या निकालना होता है, डायगोनल फॉर्म। तो देखिए, हम कैसे निकाल सकते हैं किसी ही मैट्रिक्स का पावर विद द हेल्प ऑफ दिस। तो देखिए, अगर आपको डी स्क्वायर निकालना है, चलो डी तो भले ही है लेकिन डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर होता है पी इनवर्स ए पी, इसी को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये और ये साथ में आ जाएंगे और ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यानी डी स्क्वायर भी क्या जाएगा, पी इनवर्स ए स्क्वायर, ये और ए स्क्वायर पी आ जाएगा। इसी प्रकार डी क्यूब ये हो जाएगा। और इन जनरल में बात करूँ तो डी की पावर एन क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए की पावर एन पी हो जाएगा, है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऑन प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई पी, पहले एक बार पी से और उसके बाद पी इनवर्स से, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा पी डी की पावर एन पी इनवर्स। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की पावर एन। कैसे, ये साथ में आ जाएंगे, ये साथ में जाएंगे, ये दे देगा आइडेंटिटी, ये भी दे देगा आइडेंटिटी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एन। ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड अ मैट्रिक्स पी सच दैट विच ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स ए, जो हमें ये दे रखा है, टू डायगोनल फॉर्म। इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में बदलना है और उसकी मदद से हमें क्या निकालनी है, हैंस फाइंड ए की पावर फोर। ठीक है, डायगोनल फॉर्म बनाने के लिए हमें सारा खेल डिपेंड करता है मोडाल मैट्रिक्स पर। और मोडाल मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के बाद आपको निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक वैक्टर। ओके, तो सबसे पहले वही चीज़ निकालेंगे। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है डिटरमिनेंट के अंदर ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये आपका ए है। तो डायगोनल में जो एलिमेंट है उनमें से आपको क्या माइनस करना है, लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम लैम्डा माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। और इसको एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर वन और सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका फैक्टर करेंगे तो हम आपको ये तीन फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, लैम्डा की बदले इस पर वन पुट कर देंगे तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, यानी कि लैम्डा बराबर माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और वो आपको ये दो फैक्टर दे देंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3। अब ये तीन आइगन वैल्यूज आई हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैक्टर निकालना है। तो चलिए वो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आइगन वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, जब हम लैम्डा बराबर एक लेंगे, यानी कि हमारे पास इक्वेशन ये हो जाती है ए माइनस लैम्डा ई एक्स वन इक्वल टू जीरो। यही एक्चुअली आपका एक्स वन जो क्या देता है, मॉडल मैट्रिक्स बनाते हैं, और यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ए तो आपको पता ही है, लैम्डा की बार क्या है, वन है। तो जहाँ डायगोनल में हमने लैम्डा लैम्डा लिया था वहाँ आपको क्या कर देना है, वन रख देना है। और ये आपका मैट्रिक्स है, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो जाएगा, ये जीरो। इसको आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 0 0 माइनस 1 1 1 1 2 2 2 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 0 0 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 0 एक्स वन प्लस 0 एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, 2 एक्स वन 2 एक्स टू 2 एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। ये तीन इक्वेशन आ गई। अब हमें इन तीनों इक्वेशनों में से किसी दो इक्वेशन को चूज़ करना है और उसे फिर
वज्रगुण विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। कैसे देखिए, मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन ली है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ एक्स वन लिख दिया, यहाँ एक्स टू लिख दिया, यहाँ एक्स थ्री लिख दिया। एक्स वन को छुपाया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि जीरो इंटू वन कोफिशेंट है ना, कोफिशेंट का देखना है। जीरो इंटू वन जीरो, फिर माइनस लग जाता है, वन इंटू माइनस वन यहाँ आ गया। फिर एक्स टू को छुपाएंगे, एक्स टू को छुपाती पहली नज़र हमारी यहाँ पड़ी, माइनस वन वन जा माइनस वन, और फिर माइनस लग जाएगा ज़ीरो इंटू वन माइनस ज़ीरो। फिर एक्स थ्री को छुपाएंगे, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स वन अपॉन वन इज़ टू एक्स टू अपॉन माइनस वन, एक्स थ्री अपॉन ज़ीरो, यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, एक्स वन की वन है, एक्स टू की माइनस टू है, और एक्स थ्री की ज़ीरो है, यानी कि आपका जो एक्स वन आ जाएगा, जो कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्स वन माइनस सॉरी वन माइनस वन ज़ीरो। इसे इक्वेशन ए मान लेंगे। यही काम आप लैम्डा बराबर दो के लिए भी करना है। ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो लैम्डा के बराबर अब की बार डायगोनल में क्या रखना है, टू रखना है। तो देखिए रख दिया मैंने टू, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, टू रख दिया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो ये दे देगा आपका माइनस वन ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो वन टू टू वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब क्या करना है, ऑपरेशन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिख रहा है, अगर इसको इसको मैं जोड़ दूँ तो यहाँ ज़ीरो बन रहा है, यहाँ पर भी ज़ीरो बन रहा है, तो कर देते हैं। और रिप्लेस किया मैंने आर वन को, रिप्लेस किया आर वन प्लस आर टू से, तो मुझे ऊपर सारे ज़ीरो मिल गए, और यहाँ वन ज़ीरो वन टू टू वन। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ज़ीरो एक्स वन ज़ीरो एक्स टू ज़ीरो एक्स थ्री, फिर वन एक्स वन ज़ीरो एक्स टू वन एक्स थ्री, और फिर टू एक्स वन टू एक्स टू एक्स थ्री इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। अब पहला वाला इक्वेशन हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो है ना, तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। इक्वेशन पाँचवें और छठे को फिर से वज्रगुण विधि से सॉल्व करेंगे। तो एक्स वन को छुपाया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि ज़ीरो, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस की टू। फिर एक्स टू को छुपाएंगे, एक्स टू को छुपाती पहले हमारी नज़र यहाँ पड़ती है, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि टू, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि वन। फिर एक्स थ्री को छुपाएंगे, यानी कि वन की मल्टीप्लाई टू के साथ टू, और ज़ीरो की मल्टीप्लाई टू के साथ ज़ीरो। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, एक्स टू की वैल्यू वन, और एक्स थ्री की वैल्यू टू। तो हमारे पास सेकेंड जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा वो आ जाएगा माइनस की टू वन टू। इसे इक्वेशन बी मान लिया। सिमिलर वे में जब हम लैम्डा इक्वल टू थ्री के लिए भी सॉल्व करेंगे ना, अब तो आपको आइडिया लग चुका है कैसे सॉल्व हो रहा है। तो एक्स थ्री आपको मिल जाएगा माइनस वन वन और टू। तो जो मोडल मैट्रिक्स होते हैं पी है ना, मोडल मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है। पी क्या होता है, यहाँ पर जो पहली आइगन वैल्यू आई है रो में रख देते हैं, दूसरी आई थी वो यहाँ रख देंगे कॉलम वाइज में, और तीसरी भी रख देंगे कॉलम वाइज में। देखिए माइनस वन वन टू माइनस वन वन टू। फिर जो एक्स टू आया था हमारे पास माइनस का टू वन टू, वो हमने यहाँ रख दिया है, और पहला वाला यहाँ रख दिया, कॉलम वाइज में रखना होता है। अब आपको क्या निकालना होता है, पी इनवर्स। पी इनवर्स आपके लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है, एडजॉइंट पी अपॉन मॉड पी। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। ये चीज़ आपको पता है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट निकाल के रख दिया है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन बाई टू, मैट्रिक्स आएगा ज़ीरो टू माइनस वन टू टू ज़ीरो माइनस टू माइनस टू माइनस वन। ओके, अब आपको डी निकालना है, क्योंकि हमारे पास डी जो होता है ना डायगोनल, वो फॉर्मूला होता है पी इनवर्स ए पी का। तो एक्चुअली मैं डी निकाल रहा हूँ, ये मैंने रखा पी की वैल्यू, पी इनवर्स की वैल्यू। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, पी है। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से आप सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई से कर लेना, जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। करने के बाद कैलकुलेशन पार्ट मैंने थोड़ा कम किया है, उसे मैंने आप पर छोड़ा है, आप खुद करिएगा, ठीक है। तो ये आपका डी आ जाएगा, और डी इसके बराबर होता है, हमें डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमसे क्वेश्चन में बोला था डायगोनल फॉर्म में बदलने के बाद आपको ए की पावर फोर निकालना है, और ए की पावर फोर अभी मैंने बोला था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी डी की पावर फोर पी इनवर्स। देखिए ये मैंने पी रखा, ये डी फोर और ये पी इनवर्स, क्योंकि डी फोर हमें पता नहीं है अभी, डी पता है, पी पता है, पी इनवर्स पता है, डी की पावर फोर नहीं पता है। तो पहले डी की पावर फोर निकाल लेंगे, डी की पावर फोर क्या होगा,
डी की पावर 4, और इसको भी डी स्क्वायर, पहले डी इंटू डी करेंगे एक आएगा, फिर डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो आपको डी की पावर 4 की वैल्यू ये मिल जाएगी 100016000081, ये आ गया। अब इस डी 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर रख देंगे, ये मैंने रख दिया, ये आपका पी है, ये आपका डी 4 है, ये आपका पी इनवर्स है, और इसकी मल्टीप्लाई पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, फिर उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए की पावर 4 मिल जाएगा, जो कि -49, -50, -40, 65, 66, 40, 130, 130, 81 आएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस में मैंने कैलकुलेशन थोड़ी कम की है, वो मैंने आप पे छोड़ी है, बिकॉज मेरा मकसद होता है आपको बस समझाना। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे, अगर मैं कैलकुलेशन करने लगता पूरा तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे ही बन जाती, ठीक है। तो मुझे टाइम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेरे नज़रिए में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।